हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विच इज़ क्लास अपार्ट। सो बच्चों, मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड यू ऑल नो माय नेम इज़ सोनम सूदन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। सो बच्चों, हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की ग्रामर। तो आज हम लोग गाइस करने वाले CBSE क्लास सेवन्थ की ग्रामर का एक टॉपिक विच इज़ एडवर्ब्स, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ग्रामर। और मैं आपको बता दूं, चाहे ये है क्लास सेवन्थ का, बट हम लोग इसको क्लास सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, मतलब हर जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट इवन इफ यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, यू ऑलरेडी ग्रेजुएटेड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब और समथिंग, इन योर यू प्रिपेयरिंग फॉर हाई स्कूल और समथिंग, यू कैन स्टिल गो थ्रू ब्रश अप योर एडवर्ब्स स्किल्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नीडेड ऑन लाइफ। सो वॉट आर एडवर्ब्स, लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस एंड लेट्स गो अहेड एंड लर्न अबाउट दैट। ओके, सो बच्चों, बिफोर वी गो अहेड, यू ऑल कैन एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SOS10 टू बाई योर सब्सक्रिप्शन। देन बच्चों, हियर इट इज, हियर आई एम, माई नेम इज सोनम सूदन, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आप लोगों ने मुझे अन अकेडमी क्लास सिक्स पे देखा ही होगा, राइट? रोज आप लोग मेरी क्लास वहाँ पे अटेंड करते ही हैं, तो वहाँ पे मैं आपको क्लास सिक्स की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ क्लास सेवन्थ की इंग्लिश। सो मोस्ट वेलकम टू माई सेशन एंड अन अकेडमी क्लास सिक्स का टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। देन हियर इट इज़ बग्स बाउंटी। अगर आप किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन इट इज़ बच्चों अन अकेडमी आस्क अ डाउट। घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का आपको मौका मिलेगा और आपको जवाब मिलेंगे गाइज, वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है? एंड गाइज, जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे और बहुत ही एक्यूरेट होंगे, ठीक है? सो यू विल गेट असिस्टेंस टू योर होमवर्क, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस टू योर क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे। नाउ हाउ डू यू यूज आस्क डाउट गाइस? तो गो टू द अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क डाउट, फिर उस पर क्लिक करने के बाद में अपने डाउट का एक पिक्चर क्लिक करें, फिर उसके बाद में गाइस आप अपनी पिक्चर को जो है क्रॉप करें, क्रॉप करने के बाद में सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपना क्वेश्चन भेज दें। विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर, ठीक है बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स लर्न अबाउट adverbs. Let's see what are these words. Well, adverbs kya hote hai bachcho? Wo words hote hai which add meaning to verbs, adjectives or adverbs itself. So agar aap dekhen, ye bana hai ad, adjective plus verbs, dono words ko mila ke adverb bana hai. To adverb kya karta hai guys? Adverb aapki adjective ya fir aapke adverb ko ya fir aapke verbs ke bare mein aapko aur batata hai sentence mein. So examples dekhiye, She runs fast. तो यहाँ पे run जो है वो आपका verb है और fast जो है वो आपको verb के बारे में और बता रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको verb, adjective या फिर adverb के बारे में और बताती है उसको आप adverb कहते हैं, ठीक है? So यहाँ पे जो आपका fast है वो क्योंकि आपको adjective के verb के बारे में और बता रहे हैं, तो ये आपका हो गया आपका adverb, ठीक है? तो this fast here is modifying your verb. ठीक है? Now here, this is a very interesting book. So यहाँ पे interesting जो है वो आपकी adjective है. Why is interesting an adjective? क्योंकि ये book के बारे में बता रहा है. और book क्या है? Book is your noun here. तो nouns के बारे में बताते हैं adjectives, adjectives के बारे में बताते हैं adverbs. तो similarly यहाँ पे interesting की जगह पर interesting के बारे में आपको और बता रहा है very, so very is your adverb. My studies are going on quite well. तो यहाँ पर well आपका जो है वो आर गोइंग ऑन क्वाइट वेल। तो यहाँ पे देखिए, गोइंग ऑन जो है ये आपका वर्ब है और क्वाइट जो है ये आपको वर्ब के बारे में और बता रहा है, तो क्वाइट हो गया आपका एडवर्ब और वेल जो है ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है? बिकॉज ये आपका एडवर्ब के बारे में ही और बता रहा है। सो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स के बारे में और बताते हैं। चलिए, लेट्स नाउ बच्चों डू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले आ गए बच्चों एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी एडवर्ब आपको टाइम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, यानी कि वो टाइम के बारे में और बताएगा, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, सो आई वेंट देयर अर्ली। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, वेंट, ठीक है? वेंट, व्हाट इज वेंट? वेंट इज योर वर्ब हियर। तो आई वेंट देयर अर्ली, तो यहाँ पे आपको वेंट के बारे में, यहाँ पे गई तो
गई, लेकिन मैं कब गई? जल्दी गई। तो जल्दी से जो है आपको टाइम के बारे में पता चल रहा है, एंड दैट ऑल्सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर वर्ब। ठीक है, शी विल कम टुमोरो। तो यहाँ पे विल कम जो है ये आपका हो गया वर्ब, है ना। सो शी विल कम आएगी, कब आएगी? कल आएगी। तो यहाँ पे टुमोरो जो है ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड वाई इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम? बिकॉज इससे आपको वक्त के बारे में पता चल रहा है। मतलब एडवर्ब तो है, लेकिन ये कैसा एडवर्ब है जो टाइम से रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो दीज आर, सो यहाँ पे और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम के? अगो, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, आफ्टरवर्ड्स, अर्ली, इमिडिएटली, नाउ, सून, शॉर्टली, क्विकली। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप कहीं ना कहीं देखिए, रिसेंटली, टुडे, टुमारो, ये सब टाइम के बारे में आते हैं। दैट इज़ वाई ऑल दीज वर्ड्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए। नाउ इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी काम कितनी बारी होता है एक टाइम में, उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि कोई भी काम कितनी बार रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको शो करता है कि जब कोई भी जो इवेंट है वो कितनी बारी हो रहा है, हाउ ऑफन डज इट टेक प्लेस। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो यहाँ पे देखिए, आई हैव सीन हिम वंस। तो यहाँ पे जो वंस है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताता है, यानी कि आपने देखा है कितनी बार देखा है, एक बार ही देखा है। सो वंस आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। यू ऑलवेज मेक नॉइज। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, यू ऑलवेज मेक नॉइज। मेक जो है आपका वर्ब है, और ऑलवेज जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो मेक के बारे में बता रहा है, राइट, यानी कि वर्ब के बारे में और बता रहा है। तो और बता भी कैसे रहा है, फ्रीक्वेंसी की के पर्सपेक्टिव से बता रहा है। दैट्स व्हाई ऑलवेज हियर इज योर फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं बच्चों? सेल्डम, ऑफन, नेवर, एवर, अगेन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब आपके जो हैं आ जाते हैं यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या क्या हैं? देखिए, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे प्लेस क्या हो गया? सबसे पहले ऑफकोर्स कोई ऐसा एडवर्ब जो आपके, जो आपको मतलब वर्ब के बारे में तो बताएगा या एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताएगा, लेकिन बताएगा किस पर्सपेक्टिव से? प्लेस के पर्सपेक्टिव से बताएगा। सो ऑब्वियसली उसको आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ देखिए, यहाँ पे गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो सबसे पहले गॉड इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे इज़ प्रेजेंट क्या है? ये है आपका वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के बारे में और क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है? एवरीवेयर। और एवरीवेयर किस पर्सपेक्टिव से बता रहा है? आपकी जगह के पर्सपेक्टिव से। एवरीवेयर मतलब एक जगह की इंडिकेशन देता है ना ये वर्ड। तो इसी तरीके से ये जो है ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ यू मे कम फॉरवर्ड। तो अगेन फॉरवर्ड एक डायरेक्शन के बारे में आपको पता चल रहा है। डायरेक्शन यानी कि एंड प्लेस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो ये आपको, यू मे कम फॉरवर्ड, तो ये आपको हो गया बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो यहाँ पे और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके? फार, अवे, एनीवेयर, हेयर, देयर, समवेयर, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के टाइप्स। चलिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। तो ये अगेन हो गए बच्चे आपको क्वांटिटी। गाइज, क्वांटिटी हो गया आपकी कितनी होती है, कोई भी चीज़ कितनी है, एक्सटेंट कहाँ तक है, डिग्री यानी कि कितनी है। अगेन ये सब चीज़ें, ये आपको बेसिकली आपको क्या बताता है? हाउ मच, इन शॉर्ट ये आपको बताता है हाउ मच, कोई भी चीज़ है कितनी है। योर ड्रेस इज फैंटास्टिकली ऑसम। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, ऑसम तो है आपकी ड्रेस, लेकिन कितनी ऑसम है? फैंटास्टिकली ऑसम। दैट्स व्हाई दिस हियर इज एक्टिंग इज योर एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो और एक्चुअली दिस इज एक्टिंग इज योर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। आई वुड रादर से नॉट क्वालिटी, एक्चुअली आप डिग्री कह सकते हो। पूरब इज परफेक्टली फाइन नाउ। तो कितना फाइन है? परफेक्टली फाइन। व्हाट एक्सटेंट इज ही फाइन? इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये सब बच्चों आ गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो यहाँ पे हो गया पार्टली, फुली, प्रिटी, एज, ऑलमोस्ट। तो ये सब वर्ड्स आ गए बच्चों आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए, अब हो गया बच्चों गाइस एडवर्ब ऑफ रीजन। सो द नेम इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? कोई ऐसा वर्ड जिससे, कोई ऐसा, नो नॉट वर्ड एक्चुअली, कोई ऐसा एडवर्ब जिससे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के रीजन का पता चलेगा। सो अगर आप ऑब्जर्व करें,
दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कंजंक्शंस एज वेल. कौन सी कंजंक्शंस? आपकी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन ये उससे डिफरेंट कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, और या फिर उसके सिमिलर कैसे हो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर ले कि एडवर्ब जो होता है उसका मतलब ही होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो कि आपको वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर एडवर्ब के बारे में और बताता है. तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज सो लेट, सो ही वॉज लेट, सो ही वॉज पनिश्ड. तो ऑफकोर्स सो तो यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है, लेकिन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो ही वॉज लेट, तो यहाँ पे वॉज जो है, वॉज क्या है आपका वर्ब, ही वॉज लेट, वो लेट था, सो ही वॉज पनिश्ड. तो यहाँ पे सो जो है वो आपको एक रीजन दे रहा है, और रीजन किस चीज़ का रीजन दे रहा है, आपके वर्ब के बारे में और बता रहा है, वर्ब की रीजनिंग दे रहा है, यानी कि आपको वर्ब के बारे में बता रहा है. दैट इज व्हाई दिस हियर इज एक्टिंग एज योर एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है, आई डिडंट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ठीक है, आई डिडंट गो, तो डिडंट गो यहाँ पे हो गया, डिडंट को आपका क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, राइट. आई डिडंट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग. अगेन बिकॉज जो है उससे आपको रीजनिंग पता चल रही है, और रीजनिंग किससे रिलेटेड, आपके वर्ब से रिलेटेड. दैट इज वाई इट इज योर एडवर्ब इन, मतलब अगर आप इसको और कॉन्क्रीटली बोले तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. तो यहाँ पे और क्या हो गया, एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू योर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट. उसमें भी आपको रीजन का ही पता चलता है, उसमें भी जो दो क्लॉजेस होते हैं वो रीजन के पर्सपेक्टिव से ही जोड़े जाते हैं, तो वही उसी के, यू नो, इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दैट. इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, देयरबाय, ये सब इसके और एग्जाम्पल्स हैं. चलिए, ओह, एडवर्ब ऑफ रीजन तो पहले भी लिखा था. चलिए, ये हो गया बच्चों आपका, आई थिंक या लास्ट एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब. तो इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है, सवाल जवाब करना. सो द नेम इज इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि ये एडवर्ब में क्या हुआ, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो ऑफ कोर्स यू विल एक्सपेक्ट अ सेंस ऑफ क्वेश्चन इन दीज एडवर्ब्स. ठीक है, व्हेन डू दे विजिट द ज़ू. सो यहाँ पे व्हेन, अगेन क्वेश्चनिंग, व्हेन डू दे विजिट द ज़ू. तो यहाँ पे यहाँ पे डू जो है वो आपका, और विजिट जो है, ये दोनों ही आपके वर्ब्स हैं. सो व्हेन डू दे विजिट द ज़ू. हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू, शुड यहाँ पे आपका वर्ब है, एक्सप्लेन यहाँ पे आपका वर्ब है, और इसके बारे में आपको और बता रहा है हाउ, व्हेन. तो ये दोनों के दोनों जो है आपके हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. ठीक है, सो क्वेश्चनिंग के फॉर्म में जब भी आपका एडवर्ब आएगा तो आप उसको इंटरोगेटिव की कैटेगरी में डालो. ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब्स, एंड आई एम श्योर कि आपको इसकी एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस करनी होगी. तो प्रैक्टिस करने के लिए बाय योर सब्सक्रिप्शन, आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन के मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. और इस सब का प्राइस क्या है गाइस, तो प्राइस इज 24 मंथ्स, 25,000 की मंथ्स, 20,000, 15 मंथ्स, 18,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. Then is iconic subscription. It has a personal mentor, live doubt solving session, weekly report card, parent connect, study planner, and all the benefits of plus subscription. और इसकी प्राइस क्या है, दो साल 48,000, 18 months, 35,000, 15 months, 32,000. और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. And as don't forget to use my code SPSO10 to unlock free special classes and free test series on the Unacademy app. Thank you so much, bachcho. Don't forget my code SOS10. And like, share, and subscribe. Thank you so much. Love you all. Bye, everybody.